थोड़ा शांत। आज मैंने पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में अपना वोट यहां पर आकर दिया है। मुझे जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। देश एक स्थायी सरकार चाहता है, वो स्थायी सरकार नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, एनडीए दे सकता है। देश को विकास चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए, देश को सनातन का सम्मान चाहिए। गरीब किसानों, माताओं, बहनों सबके विकास के लिए बड़े बड़े और मार्ग खुले, ये सब काम नरेंद्र मोदी ने किया है, वही करेंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? ये मैं आज यहाँ अपील कोई नहीं करूँगा, मतदाताओं के आशीर्वाद की कामना है। और ये देश बहुत ही निर्णायक ऐतिहासिक परिणाम देगा 4 तारीख को। मैंने सबों से अपील किया है, आज भी अपील करूंगा। आज तो प्रभु ने भी कृपा की, हवा चल रही है, थोड़ी गर्मी कम है, तो बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। और निकलें, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करें और देश को विकास के रास्ते आगे बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहता हूं। राहुल देवी और रोहिणी कह रही हैं कि मणिपुर की बहनों को उन्होंने अपना वोट दिया है, ऐसा है? मेरी बात सुनिए, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव बातें कहता हूँ और मेरा सकारात्मक आज ये मेरी सोच है कि ये देश स्थायी सरकार चाहता है, ये देश नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है। बिहार में कितने लोग निकले, पटना में देखिए रोड शो में, तो बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम बनने जा रहे हैं, वो दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं। बड़ी बैठक है सर, विपक्ष की बड़ी बैठक है सर, इंडिया गठबंधन के लोग बैठक कर रहे हैं आज। भाई वो बड़ी बैठक करें छोटी बैठक करें उनका विषय, मुझे क्या बोलना है। लेकिन देश ने अपनी बड़ी बैठक करके प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया।